हफ्ते रिलीज हुई फिल्म मुल्क की, जिसको अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है और लीड रोल में है ऋषि कपूर, तापसी मन्नू और आशुतोष राणा। और ये कहानी है बनारस की मुराद अली और उनकी फैमिली की। इनकी फैमिली एक मिक्स्ड फैमिली है, एक भाई की दाढ़ी है, एक की नहीं है, एक की वाइफ हिजाब करती है तो एक की नहीं करती, बेटे की लव मैरिज हुई है और बहू हिंदू धर्म की है। ऑल इन ऑल एक ओपन माइंडेड फैमिली है, लेकिन छोटे भाई बिलाल का बेटा आतंकवाद के रास्ते पे चल पड़ता है, जिससे कि पूरी फैमिली अंजान रहती है और फिर शुरू होती है असली लड़ाई जब पूरी फैमिली पे आतंकवाद का इल्जाम लग जाता है। इस इल्जाम से ये फैमिली कैसे बाहर आती है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज के हालात के बारे में ये फिल्म बहुत कुछ दिखाती है, कैसे लोग सोशल मीडिया टीवी डिबेट्स के चंगुल में आकर सदियों से बने सामाजिक ताने बाने को तोड़ते जा रहे हैं। फिल्म के आखिर में जो कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है वो काफी हद तक पब्लिक को कनेक्ट कर रहा है और साथ ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। खास बात तो ये है कि आप थिएटर से निकलने के बाद भी इस फिल्म की गिरफ्त में रहते हैं। ओवरऑल स्क्रिप्ट बैलेंस्ड है जिसमें कोई रिलीजियस बायसेस नहीं है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सारे मंझे हुए कलाकार हैं और सबने अपना रोल बखूबी निभाया है। फ्रॉम माई साइड 4/5 स्टार।